हेलो एलकेजी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि साउंड ऑफ वोबिले को कराऊंगी। इसमें आपको मैंने साउंड ऑफ ए को बोर्ड पे समझाया है, मैं इसकी आज आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले बता रही हूँ, सबसे पहले है एनसर्किल द ट्विंस। देखिए स्टूडेंट्स, एनसर्किल द ट्विंस का मतलब है दो एक जैसे को इन्हें सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए आप, बैट रेड हेड फिर बैट, तो बैट टू टाइम्स आया है तो मैंने बैट को सर्कल करना है। नेक्स्ट लाइन है वैन फैन वैन मैन, तो वैन टू टाइम्स आया है तो वैन को इस तरीके से हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है टैप कैप मैप कैप, देखिए कैप टू टाइम्स आई है तो हमें कैप को टू टाइम्स में इस तरीके से सर्कल करना है। नेक्स्ट है बैंक बैंक टैंग बैंक सेंग, तो हमें बैंक टू टाइम्स आया है फिर हमें इसको इसी तरीके से बैंक को दोनों बार सर्कल करना है। सेंड हैंड बैंक सेंड, सेंड टू टाइम आया है तो इसको मैंने फिर से इस तरीके से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रीड कॉपी द करेक्ट पिक्चर, कैट कैट पे टिक लगाइए, कैट यहाँ पे सेम इस तरीके से लिखिए। नेक्स्ट है मैन, मैन यहाँ पे लिखिए और मैन पे टिक लगाइए। कैप सी ए पी कैप, कैप पे टिक लगाइए, कैप यहाँ पर सेम लिखिए। मैप मैप पे टिक लगाइए और एम ए पी मैप यहाँ पे लिखिए। टर्न योर पेज 12, पेज से आगे है 13, 13 पेज की एक्सरसाइज करनी है हम आपको। इसमें है एनसर्कल द वर्ड विच डज नॉट राइम इन ईच कॉलम। देखिए स्टूडेंट्स, वन इज डन फॉर यू, वन लाइन में 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें जो सेम राइम्स वर्ड है उसे छोड़कर आपको और वर्ड को सर्कल करना है। वो कैसे करना है देखिए, टैग रैग बैग, ये जो रैग है ये डिफरेंट है तो इसको मैंने यहाँ पर सर्कल करना है। नेक्स्ट लाइन देखिए मैप गैप टैब, इसमें मैप गैप सेम राइम है और लैब डिफरेंट है। थर्ड लाइन में देखिए टैग बोर्ड वैग, बोर्ड डिफरेंट है, बोर्ड को मैंने सर्कल करना है। और फोर्थ लाइन में सैंड बैंक हैंड, इसमें क्या है बैंक, बैंक जो है डिफरेंट है, इसको मैंने सर्कल करना है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसी तरीके से नीचे भी है वैन मैट फैन, वैन मैट फैन में है वैन और फैन सेम है, मैट डिफरेंट है। वेल बैल सेल, वेल डिफरेंट है। रेड कैट नट, नट डिफरेंट है। कैंप लैम्प हम डम डैम डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें है ड्रा ए लाइन टू मैच द वर्ड दैट राइम्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है आपको, सेम राइम के वर्ड को मैच करना है। जैसे बैक पैक, गैप मैप, फाल बाल, टैक्स वैक्स, रैक सैक, बैग टैग, काल वाल, फैट कैट, ये इस तरीके से आपको दोनों एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।